आईपीएल के प्रति लोगों और खिलाड़ियों का रोमांच बढ़ता ही चला जा रहा है। तभी तो आईपीएल का 12वां सीजन चल रहा है और लगता है मानो अभी कुछ दिन पहले ही तो शुरू हुआ था। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू हुए पूरे 11 साल हो चुके हैं और 12वां साल चल रहा है। पैसे और ग्लैमर से भरा टी20 लीग हर साल देश विदेशी खिलाड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है और हर खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनना चाहता है। हालांकि अगले महीने वर्ल्ड कप है तो इस सीजन में काफी खिलाड़ियों ने हिस्सा नहीं लिया, जिनकी गैर मौजूदगी कई और खिलाड़ियों के लिए फायदे का सौदा साबित हुई। कई खिलाड़ियों ने डेब्यू किया और कुछ ऐसा खेला कि उनके खेल ने आईपीएल में अपनी गहरी छाप छोड़ दी। इस सीजन के ऐसे ही 3 डेब्यू करने वाले खिलाड़ी जिन्होंने इस सीजन में 4 चांद लगा दिए, उनमें पहले नंबर पर तो है जेसन बेरनडॉफ। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बेरनडॉफ ने 15वें मुकाबले में डेब्यू किया और अपनी तेज और उछाल भरी गेंदों से मैच में जबरदस्त शुरुआत की। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम को बेरनडॉफ ने पहले ही ओवर में राइडो के रूप में झटका दिया और पहले ही ओवर में सिर्फ 1 रन देकर 1 विकेट झटक लिया। उसके बाद अपने तीसरे ओवर में रैना का विकेट भी हासिल किया। डेब्यू मैच में बेरनडॉफ ने 4 ओवर की किफायती गेंदबाजी में 22 रन देकर 2 विकेट निकाले। फिर बात करते हैं अल्जारी जोसेफ की। कैरिबियाई खिलाड़ी अल्जारी जोसेफ ने वेस्टइंडीज के लिए अभी तक एक भी टी20 मैच नहीं खेला है। उन्होंने लीग के 19वें मुकाबले में टीम हैदराबाद के खिलाफ डेब्यू किया और पहले ओवर की पहली गेंद पर ऑरेंज कैप होल्डर वार्नर को बोल्ड कर दिया, फिर एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और 3.4 ओवर की गेंदबाजी में 1 मैडन के साथ 12 रन देते हुए 6 विकेट अपनी झोली में डाल लिए। इतना क्या कम था, जोसेफ ने डेब्यू मैच में ही 11 साल पुराने सोहेल तनवीर के बेस्ट गेंदबाजी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। फिर बात करते हैं स्कॉट कुगेलेन की, जिन्होंने अपने देश के लिए मात्र 4 टी20 मुकाबले खेले हैं और बहुत कम लोग ही उनके बारे में जानते हैं। कुगेलेन को चोटिल लुंगी एंगिडी की जगह चेन्नई ने अपनी टीम में शामिल किया। लीग के 18वें मुकाबले में कुगेलेन ने तब डेब्यू किया जब चेन्नई के मुख्य ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो चोट की वजह से 2 हफ्ते के लिए टीम से बाहर हो गए। पंजाब के खिलाफ मैच में स्कॉट की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही थी क्योंकि उनकी पहली ही गेंद पर छक्का लग गया। पहले 2 ओवर में बिना किसी विकेट के इन्होंने 27 रन लुटा दिए। हालांकि आखिर के 2 ओवर में इन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए केएल राहुल और सरफराज खान का विकेट निकालने में सफलता हासिल की और इस तरह 4 ओवर की गेंदबाजी में 37 रन देकर स्कॉट ने 2 विकेट झटके।